बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी जिले के रिवालसर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शेषु मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि रिवालसर को तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। ये मास्टर प्लान अगले 3 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। मास्टर प्लान के तहत यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को विस्तार दिया जाएगा। साथ ही मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का हिमाचल को फल राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। 1300 करोड़ रुपए का शिवा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है जिसमें 6000 हेक्टेयर भूमि पर फल के पौधे लगाए जाएंगे और इससे 15000 बागवान लाभान्वित होंगे। हाँ, ये मुझे भी बड़े गर्व का विषय है क्योंकि ये हमारे लिए भी एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर 3 धर्मों का संगम है और बहुत ही प्राचीन स्थल है, तो यहाँ आने का जो है मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ आकर जो है मुझे खासकर हमारे जनजाति इलाकों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सदियों से इस त्रिवेणी में आते हैं और सदियों का काफ़ी समय यहाँ गुजारते हैं, तो उन सब से भी मिलने का मौका मिला है। आने वाले समय में मेले को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा? हाँ, मेला तो राजस्तरीय पहले ही घोषित है, इसको साल दर साल और बेहतर किया जा सकता है, परंतु सबसे ज़रूरी जो है कि हमारा जो ये तीर्थ स्थल है, हमारा रिवालसर है, इसका जो पवित्र झील है, इसकी दशा को बदलने की ज़रूरत है और इसके लैंडस्केपिंग की ज़रूरत है, इसके सौंदर्यकरण की ज़रूरत है और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सबको यहाँ पर जो है उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। इसके लिए जो है एक मास्टर प्लान बनाएंगे हम और उस मास्टर प्लान के लिए बजट का प्रावधान करके इसको तेज़ी से विकसित करना हमारा लक्ष्य रहेगा।